सियासी सोमवार सियासत के लिहाज से सबसे हिट और हॉट रहा। एक के बाद एक सियासी घटनाएं बहुत तेजी से घटी, मानो दिल्ली से धूल और ऋषिकेश की दूरी सिमटती हुई दिखाई दी। दिन की शुरुआत हुई तो कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका लेकर सामने आई। एक तरफ ऋषिकेश में कांग्रेस राहुल गांधी के सम्मेलन की तैयारी कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में पार्टी के कुमाऊं के बड़े चेहरे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष यशपाल आर्य कांग्रेस के घर को छोड़ बीजेपी के कमंडल को थामने का मन बना चुके थे। देखते ही देखते खबर आग की तरह फैल गई। अभी कोई समझ पाता आर्य अपने बेटे संजीव के साथ भगुआ रंग में रंग गए। इतना ही नहीं, कांग्रेस के उत्तरकाशी के चेहरे रहे पूर्व विधायक केदार सिंह ने भी बीजेपी का कमल थाम लिया। यहाँ कांग्रेस को झटके लग रहे थे तो वहाँ दून में घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। आज सुबह जैसे ही ये खबर आई कि यशपाल आर्य अब कांग्रेस के सदस्य नहीं रहे, नेता नहीं रहे और बीजेपी में शामिल हो गए, कांग्रेसी कार्यकर्ता सन्न रह गए। कांग्रेस कार्यालय में इस वक्त सन्नाटा है और तमाम कार्यकर्ता नेता अपनी तरह से आकलन कर रहे हैं कि आखिर क्यों एक एक करके पार्टी के तमाम नेता पार्टी छोड़ते जा रहे हैं। सवाल ये उठता है कि यशपाल आर्य के जाने के बाद बीजेपी को कितना फायदा होगा और कांग्रेस को कितना घाटा होगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि आखिर बीजेपी में कांग्रेस के बड़े तमाम सूरमा नेता क्यों जा रहे हैं, आखिर क्यों कांग्रेस के तमाम बड़े नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। वहीं दोपहर बाद राहुल ऋषिकेश पहुंचे और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचते ही स्क्रिप्ट के मुताबिक मोदी पर हमला बोल कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम शुरू कर दिया। देश से मिटवाना चाहता हूं, मिटाना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी ने कहा। सियासी सोमवार में घटनाओं के घटने का सिलसिला बीजेपी के पूर्व विधायक ओम गोपाल रावत ने और तेज कर दिया। खबर आई कि नरेंद्र नगर से टिकट ना मिलने से नाराज ओम गोपाल रावत बीजेपी छोड़ सकते हैं और वो कांग्रेस का दामन भी थाम सकते हैं। फिलहाल गोपाल ने अपने पत्ते नहीं खोले। मैंने कहा है मैं जनता का आदमी हूँ, मेरी पार्टी है जनता पार्टी। बीजेपी छोड़ दी आपने? जब हम लोग बीजेपी के सिद्धांतों से जुड़े हुए थे, लेकिन बीजेपी ऐसे लोगों को जोड़ेगी। आज सुना है क्योंकि वो जो राजस्व मंत्री जी हैं यशपाल आर्य, उनका बेटा बोला दोनों को टिकट पक्का हो रहा। जनता को आप बोलते हैं कि साहब ये वंशवाद की पार्टी नहीं है, ये किसी परिवारवाद की पार्टी, आप कैसे दोनों को टिकट दे दिया? जिन्होंने पार्टी ज्वाइन नहीं करी केदार सिंह रावत जी ने, उनको जो है टिकट दे दिया। अब सिर्फ मैं समझता हूँ या हरीश रावत जी का किशोर उपाध्याय जी का इंतजार शायद बीजेपी कर रही है, जो अभी तक दिल्ली नहीं हो पा रही लिस्ट। अब यही दो बचे हुए हैं बाकी। यानी यशपाल नाराज होकर बीजेपी में शामिल हो गए। राहुल रैली करने ऋषिकेश पहुंचे। बीजेपी के पूर्व विधायक ने अपनों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, मगर सियासत इससे पहले कि कुछ समझ पाती, उससे पहले दिल्ली में बीजेपी ने अपने 64 रण बाकरों की लिस्ट जारी कर साफ कर दिया कि अब युद्ध का बिगुल बज चुका है। सतपाल महाराज से लेकर हरक सिंह रावत सरी के सभी बागियों को टिकट का इनाम देने वाली बीजेपी ने यशपाल आर्य और उनके बेटे को भी निराश नहीं किया। उन्हें भी नैनीताल और बाजपुर से टिकट का वायदा पूरा कर दिया। यानी सियासत के लिहाज से सोमवार सुपर हिट साबित हुआ। सियासी पर्दे पर सोमवार सुबह से लेकर शाम तक कई ट्विस्ट आए, कहीं एक्शन दिखाई दिया, कहीं सस्पेंस था, कहीं ड्रामा था, तो कहीं बेवफाई के किस्से भी। यानी फुल टू सियासी मसाला। ऋषिकेश से विपिन नागी, दिल्ली से राहुल मिश्रा के साथ प्रवीण कुमार, जैन टीवी, देहरादून। यशपाल का कांग्रेस छोड़कर कमंडल थाम लेना अब भाजपा के लिए कितना सियासी फायदा और कितना नुकसान, इसको लेकर अब कयास लग रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के लिए यह झटका जरूर कहा जा सकता है, वो भी तब जब हाल ही में कांग्रेस ने अपने घर के भीतर उस बगावत को झेला जिसकी चिंगारी अभी तक कांग्रेस के घर से सुलगती हुई दिखाई देती है।
उसका धुआं भी महसूस होता है। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस की ओर से ज्योति सिंह बिस्ट साहब जुड़े हुए हैं और बीजेपी की ओर से हमारे साथ ज्योति प्रसाद गैरोला साहब जुड़े हुए हैं। हर तरफ जो है उजाला उजाला, ज्योति सिंह बिस्ट साहब भी, ज्योति प्रसाद भी। इस वक्त पहले हम रुक करेंगे ज्योति सिंह बिस्ट साहब के पास, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि हम बीजेपी की वो लिस्ट भी आपको दिखा रहे हैं साथ साथ, जिनके नाम ऐलान कर दिए गए हैं बीजेपी की तरफ से। ये अब तक 64 रणबांकुरे जो हैं वो मैदान में उतारे गए हैं, लिस्ट आपके सामने है। पहले बिस्ट जी आपके पास आ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है जैन टीवी में आपका। बिस्ट जी मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? आपको बता दें कि यहां पर सियासत के नजरिए से समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त ज्योति प्रसाद गैरोला साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए बीजेपी की ओर से। गैरोला साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जैन टीवी में। जी धन्यवाद तिलक जी, कैसे हैं आप? जी सब बढ़िया सर, आज खुश तो बहुत होंगे आप। भैया क्या करें, इनके नेता केंद्रीय उपाध्यक्ष जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है अपनी फटी जेब दिखा रहे थे, उस जेब से सब कुछ निकल रहा है और वो निकलते निकलते अभी तक निकल रहा है। वो जनता ने जब जेब फाड़ दी, कांग्रेस से कुछ बचा नहीं है, तो इनके पास कहने के लिए भी क्या होगा। कुल मिलाकर प्रश्न यह है कि आखिर अभी तक कांग्रेस में जो बगावत का दौर जारी है, इसकी वजह क्या है? इस प्रकार से हरीश रावत इस प्रदेश को चलाना चाह रहे थे एक सिंडिकेट बनाकर, उस सिंडिकेट को तोड़ने का काम कांग्रेस के लोग कर रहे हैं और आज हरीश रावत बिना सेना के सेनापति हो गए। तो कुल मिलाकर यह सबकी समझ में आ रहा है कि हरीश रावत के रहते हुए यह प्रदेश इसका भला नहीं हो सकता, यह विकास की गति पे चल नहीं सकता। यशपाल आरे फेलियर कांग्रेस का है। यशपाल आरे का कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आना, ठीक चुनाव से पहले आना और ठीक सूची जारी होने से पहले यशपाल आरे और संजीव आरे को टिकट थमा देना, भाजपा के घर के भीतर एक सूची मैंने भी तैयार की जहां ऐसा लगता है कि बीजेपी के घर के भीतर कांग्रेसीकरण हो गया। आखिरकार सवाल तो यहां पर कार्यकर्ता भी खड़ा नहीं करेगा कि आखिर बीजेपी किस दिशा की ओर जा रही है? नहीं, जब पार्टी का विस्तार होता है, पार्टी बड़ी होती है, हम आज इतने बड़े हो रहे हैं, बड़े होने की ओर बढ़ रहे हैं, तो उसमें हर प्रकार के लोग आएंगे। कुछ लोग ऐसे भी आएंगे जो राजनीतिक दलों में संबद्ध रहे होंगे, कुछ लोग ऐसे आए होंगे जो उन्होंने नई अपनी राजनीतिक पारी पहली बार शुरू की होगी, तो परिवार तो ऐसे ही बढ़ता है ना। नहीं नहीं, आप तो परिवारवाद के खिलाफ इन चीजों को लेकर सामने आए हैं ना, लेकिन आप सूची में दिखाई देता है कि आखिरकार जो बात आप कहते हैं उस पर अमल नहीं कर पाते। यशपाल आर्य जी आए, आपने यशपाल आर्य जी को भी टिकट दे दिया और संजीव आर्य को भी टिकट दे दिया, इसका मतलब ये सब चीजें तो पहले से तय थी, सिर्फ जीतने के लिए जो है अब जो है सिद्धांत और असूलों की बात भाजपा नहीं करती है, सिर्फ जीत जरूरी है। देखिए तिलक जी, दोनों में बड़ा अंतर है। भारतीय जनता पार्टी सैद्धांतिक रूप से परिवारवाद के खिलाफ है, मैं इस बात पे कहीं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब परिवार के दो लोग निरंतर रूप से राजनीति में सक्रिय हो, केवल डायनेस्टी का फायदा अगर कोई ले रहा है तो एक अलग विषय है, लेकिन कोई परिवार में अगर दो तीन चार लोग सामाजिक रूप से काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं, तो वो एक अलग विषय है। नहीं नहीं, आप डायनेस्टी नहीं, मेरा सवाल इसलिए खड़ा था, मेरा सवाल इसलिए था गैरोला साहब आपसे कि जो स्थिति पैदा हो रही है भाजपा के घर के भीतर, मैं उन कार्यकर्ताओं की बात कर रहा हूं जो ग्रास रूट के कार्यकर्ता हैं, जो आपके लिए झंडा और डंडा उठाते हैं, आपके लिए दरियां बिछाते हैं, आपके लिए जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, सिर्फ इसी इंतजार में कि हमें टिकट का इनाम मिलेगा। 5 साल की तपस्या, 10 साल की तपस्या, देखते देखते 15 और 20 साल गुजर जाते हैं, और एक तरफ वो जो सिर्फ टिकट ऐलान होने से कुछ घंटे पहले पार्टी को ज्वाइन करते हैं और उनके हक पर डाका डाल लेते हैं, मैं उनका जिक्र कर रहा हूं। निश्चित रूप से आपकी जो शंका है, मैं उससे इतना ही कहना चाहता हूँ कि इस समय पूरे भाजपा कैडर का ध्यान प्रदेश में भाजपा सरकार लाने की ओर है और प्रदेश का विकास उसका प्रमुख एजेंडा है, और जब बड़े टारगेट फिक्स होते हैं, उत्तराखंड को कांग्रेस से बचाना है,
नहीं नहीं कांग्रेस से कैसे बचाना, ये तो कांग्रेसीकरण हो गया ना बीजेपी का पूरी तरह से। आप लोगों ने तो जीत के लिए जो सिद्धांत बनाए थे उन सिद्धांतों को खुद तोड़ दिया। आप लोगों ने कल जिनके खिलाफ नारे लगाए आज उनको पार्टी में शामिल कर लिया, मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ। कांग्रेसीकरण नहीं हो रहा है तिलक जी, ये भाजपाईकरण हो रहा है, पूरे देश का भाजपाईकरण हो रहा है। पूरा देश भाजपा के रंग में रंग रहा है। चलिए हम चेहरे भी दिखाएंगे जिनका कांग्रेसीकरण का जिक्र हम कर रहे हैं, वो भी दिखाएंगे, वो भी दिखाएंगे कि कौन कौन से चेहरे जो शुरुआत से आपकी पार्टी में शामिल हुए, सतपाल महाराज से लेकर जो है एक लंबी फहरिस्त शुरू होती है जो अब यशपाल आर्य संजीव आर्य तक जो चली जाती है, वो लिस्ट भी हम दर्शकों को दिखाएंगे। लेकिन इस वक्त हमारे साथ मथुरादत्त जोशी साहब भी जुड़ गए। एक मिनट गैरोला साहब, मथुरादत्त जी बहुत बहुत स्वागत है जैन टीवी में आपका। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ तिलक जी, आप ठीक हैं? सर मैं जानता हूँ कि जब चोट लगती है तो दर्द तो होता ही है, लेकिन फिर भी यशपाल आर्य का कांग्रेस को छोड़ के चले जाना कितनी बड़ी चोट कांग्रेस के लिए? कोई चोट नहीं है तिलक जी, कोई दर्द नहीं है। जिन लोगों अच्छा। की महत्वाकांक्षाएं हिलोरी ले रही थी, जिनको पार्टी ने बहुत कुछ दिया, नेतृत्व ने बहुत कुछ दिया, जिन्होंने पार्टी को धोखा देने का काम किया, नेतृत्व की पीठ में छुरा भोंकने का काम किया, तो अब कोई दर्द नहीं हमको। अच्छा हम उससे कतई, हमें तो ये पता था कि ये चीजें होनी है, लेकिन शर्म की बात उन लोगों के लिए है तो जिन लोगों ने, जिनको पार्टी ने इतना कुछ देने के बाद, पार्टी ने जिनको नेता बनाया हो, जिन लोगों को उत्तर प्रदेश से लेकर आज तक टिकट से नवाजा गया हो, विधानसभा का अध्यक्ष बनाया और पार्टी ने प्रदेश का अध्यक्ष बनाए थे लंबे समय तक, और मंत्री के रूप में 6-6, 7-7, 13 विभागों का मंत्री बनाया हो, वो व्यक्ति आज कहे कि कांग्रेस में मेरी उपेक्षा हो रही थी, तो ये बात बड़ी हास्यास्पद पर लगती, बड़ी समझ से परे बात है। आप लोग या तो समझना नहीं चाह रहे या फिर समझ कर अनजान बन रहे हैं। एक बात सोच के देखिए आपने कि सेनापति अगर बिना सेना के हो तो वो कैसे युद्ध लड़ेगा, आप समझ रहे हैं इस बात को? सेना है, पूरी सेना है। देखिए सेना तो सेना कहां की सेना, ये नहीं, तो नहीं, सवाल ये खड़ा हो रहा है ना बड़े लोग कि आपके घर के भीतर जो कुछ घट रहा है ये वन मैन शो की भांति सामने चीजें आ रही हैं, फिर भी कांग्रेस कह रही है कि हमें तो कुछ हुआ ही नहीं, आप देख लीजिए हम सुरक्षित हैं, एक के बाद एक दीवारें गिर रही हैं और फिर भी कहते हैं हम सुरक्षित हैं, तूफान आया, तूफान से सब कुछ है। गैरोला साहब इनकी जेब फट गई, इनकी राहुल गांधी फटी हुई जेब लेके घूम रहे हैं। अच्छा कांग्रेस की जेब फट गई। अच्छा हाँ, अब इसके दो ही कारण हो सकते हैं। हाँ। या तो उस मंच पर किसी ने उनकी जेब काट दी हो। हाँ। जिस मंच पर वो बैठे थे। हाँ। या जनता ने वो जेब साफ कर दी। दो ही कारण है भैया, जेब फट गई हो जी। तिलक जी जी, मैं तो, मुझे तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की अक्ल पर तरस आने लगी है। जिस तरीके से मानसिक रूप से दिवालिया हो गए हैं भाजपा के नेता, क्या कह रहे हैं करके इनको पता नहीं है। आज जितने भी नेता इनके यहाँ गए हैं, मेरा भाजपा के नेताओं से प्रश्न है, क्या इन्होंने नैतिक अनैतिक आरोप क्या उन नेताओं पर नहीं लगाए जिनके सारे गए हैं? नहीं नहीं, नैतिक अनैतिक आरोपों का जिक्र नहीं है, में गोदान करना। अपने गिरबान में झांक कर देखना होगा कि चूक कहां हो रही है, गलती कहां हो रही है, आखिर वजह क्या है। एक बात बताइए ना, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता सम्मान देने के बाद आदमी, मथुरादत्त जी यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, कुछ तो वजह हुई होगी ना मथुरादत्त जी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, कुछ तो वजह रही होगी जब आपकी पार्टी के वो चेहरे, सुनिए सुनिए सुनिए, मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं, सतपाल महाराज जो सीधे तौर पर मुख्यमंत्री पद का चेहरा रहे, पार्टी ने उन्हें बहुत कुछ दिया, इस बात को समझिएगा, हरक सिंह रावत जिनको आपने नेता प्रतिपक्ष तक बनाया, इसके बाद नंबर आता है विजय बोगुणा जिनको आपने पूर्व मुख्यमंत्री जो है वो सीधे तौर पर मुख्यमंत्री का उनको दर्जा दिया, अब यशपाल आर्य जो दो बार आपके प्रदेश अध्यक्ष रहे, संगठन के भीतर पार्टी को खड़ा करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, आज वो आपके लिए सब जो है स्वार्थ की राजनीति के चेहरे हो गए, अपने गिरेबान में झांकने से कांग्रेस क्यों डर रही है? देखिए हमारे लिए नहीं हुए, कांग्रेस के लिए नहीं हुए, आप इसका अर्थ क्या लगाते हैं? मैंने खुद कहा आपको, मैं फिर अपनी बात को दोहरा रहा हूँ कि जिन लोगों को इतना बड़ा सम्मान दिया, आपने खुद गिनाया,
भाई बलात्कार का आरोप लगने के बाद सीबीआई का ट्रायल होने के बाद आपको नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है तो क्या कांग्रेस ने खता कर दी भाई? क्या गलती कर कांग्रेस ने? अगर आप तो आप आप इंसान की पहचान नहीं कर पाए आपकी गलती है। अगर आप इंसान की पहचान नहीं कर पाए आपकी गलती है। मेहरबानी, मेरी बात पूरी होने दीजिए प्लीज। विजय बाबूना जिसको जिसको केवल 4 साल का संसदीय अनुभव था उस व्यक्ति को हरीश रावत के मुकाबले चीफ मिनिस्टर बना दिया, वो भी आपके आपके बेमानी की गलती है। आपने अगर किसी को ये पद दिया बिना सोचे समझे दिया, इसका मतलब आपके नेतृत्व क्षमता की कम की है। ये आप कबूल क्यों नहीं करते? कोई कोई क्षमता की कमी नहीं है। हाँ तो फिर आज आपको गालियां दे रहे हैं। हमने हमने कहा कि चलिए भाई हमारे चलिए है मिलना चाहिए, मौका मिलना चाहिए सबको, उसके बाद आप सोचें कि सब कुछ ही मुझे मिल जाए तो कहां तक संभव है इस बात। अच्छा एक मिनट लाइन पे रहिएगा, मैं अब गैरोला साहब आपसे जानना चाह रहा था, ये सूची मेरे हाथ में है बीजेपी की। गैरोला साहब जी। सर मैंने कहा ये सूची मेरे हाथ में है, बहुत सोच समझकर जो है पार्टी ने तमाम रणबांकुरों को रण में उतारा है जी। कुछ चीजें जो था वो स्थिति साफ भी थी, यहां देखा कि आपने 9 के 9 बाकी माफ करेगा त्यागियों को, और आपके एक और नेता पूर्व विधायक कह रहे थे ना त्यागी है ना बागी है वो दागी है, खैर कुछ भी परिभाषा कर दीजिए, मैं उस सीट पे नहीं जा रहा। मैं इतना जानना चाह रहा था कि यानी आपने जो है ये तय कर लिया कि बीजेपी में टिकट का भरोसा देने के बाद ही पार्टी में उनको शामिल किया गया, ये लिस्ट तो यही संकेत दे रही है जो मेरे हाथ में है। ऐसा नहीं है तिलक जी, अर्थ निकालने को आप कितने अर्थ निकालेंगे? नहीं मैं जो अर्थ निकाल रहा हूँ उसका जो उसका तर्क मेरे को विरोध कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों से, उसकी रीति नीति से, उसके विचारों से, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व से जो सर टिकट के लिए हृदय परिवर्तन होना, आप क्यों नहीं समझ रहे? आप मेरी बात नहीं समझ रहे। आप ये सोच लीजिए कि आप जिन पर विश्वास कर रहे हैं वो आपके साथ भी विश्वासघात कर सकते हैं, ये सोचा आप लोगों ने कभी? भाई तिलक जी आप तो कितनी प्रकार की संभावना इस समय खड़ी कर सकते हैं लेकिन हमें पूरा भरोसा इनके साथ तो विश्वासघात किया, हरक सिंह जी ने भी किया विश्वासघात, विचारों से सहमत, फिर हरक सिंह जी को सिर में बिठा दिया इन्होंने, आप पूरी बात करिए गैरोला साहब। मैं ये कह रहा था कि कुल मिलाकर जो व्यक्ति पार्टी में शामिल हो रहा है पार्टी के विचारों से सहमत होके आ रहा है, नरेंद्र भाई मोदी के करिश्माई नेतृत्व के अंतर्गत आ रहा है, कुछ सोच विचार करके आ रहा है और भारतीय जनता पार्टी से स्वीकार कर रही है, परिवार बड़ा हो रहा है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी परिवार इनका बड़ा नहीं हो रहा, परिवार इनका समाप्त हो रहा है। मथुरा दत्त जी एक बात तो है, एक मिनट सुनिए ना बीजेपी में, मथुरा दत्त जी एक मिनट सुनिए ना, एक मिनट सुनिए ना, कल तक जो है, एक मिनट सुनिए ना, कल तक जो है आपके घर में नेता ही नेता दिखाई देते थे, कार्यकर्ता खोजने से नहीं मिलते थे, आज इनके घर ये हाल है कि नेताओं की फौज दिखाई देती है, कार्यकर्ता कम दिखाई देते हैं। मथुरा दत्त जी फाइनल स्टेटमेंट आपका इस विषय पर जल्दी से। एक मिनट गैरोला साहब प्लीज एक मिनट, अपने देख रही है इस प्रदेश में, हाँ इनसे एक बात पूछना चाहूंगा गैरोला साहब से कि हरक सिंह जी के लिए आपके एक महामंत्री ने धन सिंह रावत जी ने क्या कहा था ये बता दे हमको। नहीं धन सिंह रावत जी ने जो कहा वो अब इतिहास बन गया, जो कुछ सदन के भीतर हुआ तब आप लोगों को दिखाई नहीं दिया, सुनाई नहीं दिया। नहीं मैं सिद्धांतों उत्तराखंड में राजनीति की सूचिता की बात मत करिए, सिद्धांतों की बात मत करिए। आप उत्तराखंड के भीतर ये शब्द सुनने में अच्छे नहीं लगते। ना उत्तराखंड के भीतर ये शब्द सुनने में अच्छे नहीं लगते। आप पब्लिक देख रही है, पब्लिक को तय करने दीजिए। अब इनके नेता इनको फटी जेब दिखा गए कि भाई इस जेब में ना जनता रही, ना नेता रहे, ना कार्यकर्ता रहे, जेब खाली है। ये तो समझ बताएगा इनको, इनके पास ना कार्यकर्ता, इसलिए तो हमारे यहाँ से उधार में ले जा रहे हैं सबको, ये अच्छा सबको उधार में ले जा रहे हैं, उधार में उधारी तो चुकानी पड़ेगी, इनको भाजपा में सम्मान मिलने वाला नहीं है। एक बात बताऊं मथुरा दत्त जी, अभी भी आपके कई कांग्रेसी नेता नाराज हैं,
नहीं नहीं कोई बात नहीं, देखिए तो कांग्रेस में इतना बड़ा परिवार है उसमें नाराज भी होंगे खुश भी होंगे, 130 साल पुरानी पार्टी है। हाँ। ये अपनी बता देना, ये इन्होंने जो 12 टिकट दिए हैं क्या इनके कार्यकर्ता उन उम्मीदवारों को स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? इनके जनता स्वीकार करेगी नहीं करेगी, रुड़की में बवाल होगा, नरेंद्र नगर में बवाल होगा, किच्छा में होगा या नहीं होगा, नहीं वो इनके घर का मसला है ना। आपका घर, आपके घर में तो विरोध करने वाले ही नहीं रहे मथुरा दत्त जी, अब आपके घर में विरोध करने वाले ही नहीं रहे। अब बाजपुर से टिकट देने के लिए चेहरा खोजना पड़ेगा, अब बाजपुर में चेहरा खोजना पड़ेगा टिकट देने के लिए, इस बात को समझिए। देखिए मैं इतना कह सकता हूँ कि बेहतर चेहरा मिलेगा, अच्छा चेहरा मिलेगा जो जो बाजपुर में टक्कर देगा, आप देखिएगा बाजपुर में जीत के आएगी कांग्रेस। अच्छा चलिए बिल्कुल, आप चलिए मैं आपके आप आपके आपके लोग के चैनल में बात कर रहा हूँ। गैरोला साहब ये तो पूछिए फटी जेब का क्या हुआ है, मतलब वो जेब जो फटी भी दिखाई दी। गैरोला साहब का खुद का टिकट कट गया थे उपरिया से, गैरोला साहब का टिकट कट गया उम्मीदवार से, गैरोला साहब ने त्याग किया है। आप पे इतना बड़ा अन्याय क्यों करती है भारतीय जनता पार्टी? गैरोला साहब ने त्याग किया है, त्याग गैरोला साहब का टिकट नहीं कटा, तो त्यागी हो गए, इनको गंगा में स्नान करना चाहिए, कुटिया बनानी चाहिए देवप्रयाग में, देवप्रयाग में एक कुटिया मैं बना देता हूँ, कल ये तपस्या करें वहाँ। अच्छा देवप्रयाग से टिकट कट गया गैरोला साहब का? मैं कुटिया बना देता हूँ इनके लिए, बड़े सज्जन आदमी है, देवप्रयाग में आदमी है। अच्छा चलिए इनके लिए कुटिया में तैयार कर देता हूँ, जरा ये आध्यात्म तपस्या करें तप करें तब तो बात बनेगी, भाजपा में पड़े हुए हैं को शुभकामनाएं दे रहा हूँ। अब तो विकेट नहीं है, गैरोला बड़े पंडित होते हैं देवप्रयाग के। हाँ देवप्रयाग जी की टिकट सलामत रहे इसकी शुभकामनाएं। लेकिन धन्यवाद आप, लेकिन मुझे दर्द है लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आपकी राजनीतिक हत्या करने का काम किया है। लेकिन सोचिए सर, जैसा व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में कर्म, मैं समझ सकता हूँ कांग्रेस की पीड़ा को समझ सकता हूँ, लेकिन सोचिए एक के बाद एक विकेट गिर रहे हैं। आप भी सज्जन आदमी है, अब आप भी छोड़ दीजिए। नहीं नहीं मैं तो आपको शुभकामनाएं दे रहा था, मुझे इनको भी पार्टी इनको भी त्याग और तपस्या का फल आपको देगी, ये तो इन्होंने लंबा कटने का, ये तो जिस हिसाब से अपने द्वार खोल चुके हैं, ये तो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि हरीश रावत और किशोर उपाध्याय भी बीजेपी ज्वाइन कर ले। मोक्ष के द्वार खुलने चाहिए, जो पाप भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रदेश में किया है, चलिए लोकतंत्र की हत्या की है, इनको तो मोक्ष के द्वार खोलने चाहिए, वहां जाना चाहिए, तपस्या करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जोशी जी आपका, लेकिन फाइनल स्टेटमेंट आपका मैं जानना चाहूंगा गैरोला साहब। धर्मपुर सीट, रामनगर, विकासनगर, हल्द्वानी, भीमताल, रामनगर, ये सीटें जो मैंने आपको गिनवाई हैं, इस पे अभी तक फिलहाल पार्टी ने अपनी स्थिति साफ नहीं की है। कुछ तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा भी रहे थे, कुछ जगह से विरोध अब शुरू भी हो गया है, आप लोगों ने टिकट बांटी है, यानी कुछ ना कुछ दिक्कत तो है ही ना। मेरे राजनीतिक क्षेत्र है, ऑल इज वेल तो होता नहीं है, कुछ क्षेत्रों में थोड़ा बहुत रिएक्शन आ रहा है, बातचीत हो रही है, और मुझे पूरा भरोसा है कि समय रहते हुए बातचीत के आधार पर सारी परिस्थितियां सामान्य हो जाएंगी, भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत से यह सरकार बनाएगी। कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस दिखाई दे रहा है आपकी सूची से देखकर, ऐसा लग रहा है कि अब जो है लगभग 13-14 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस होगा। ऐसा कहीं नहीं है तिलक जी, पूरी तरह से चलिए कांग्रेस है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस वक्त हमारे साथ जो है सियासी विषय पर चर्चा करने के लिए कांग्रेस के घर के भीतर एक और पार्टी का बड़ा दलित चेहरा हमारे साथ जुड़ा हुआ है, हमारे साथ प्रदीप टमटा साहब जुड़े हुए हैं, राज्यसभा सांसद भी है। टमटा जी बहुत बहुत स्वागत है जे एन टीवी में आपका। धन्यवाद तिलक भाई। सर कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है। सर यशपाल आर्य जी का कांग्रेस छोड़ना, बीजेपी में चले जाना, उनका कोप भवन में रहना, आप लोगों को पता ना चलना, ये कांग्रेस के घर में हो क्या रहा है? देखिए कांग्रेस में घर में कुछ नहीं हो रहा है। ये मोदी सरकार ने एम के प्रकार ने कांग्रेस की हरीश रावत सरकार को शुरू से ही पहले दिन से, आपने देखा होगा कि इतिहास में एक हफ्ता नहीं हुआ था उस सरकार को अविश्वास प्रस्ताव का सामना किया। जिस दिन से हरीश रावत सरकार बनी है
उस दिन से षड्यंत्रों के माध्यम से, छलबल के माध्यम से, धनबल के माध्यम से उस सरकार को गिराने की लगातार षड्यंत्र जारी रहा। और वो अभी अभी जो राष्ट्रपति शासन में जो मुंह की खानी पड़ी मोदी सरकार, उस हार को पचा नहीं पाए थे और इसी कारण षड्यंत्र कहते, ये षड्यंत्र का परिणाम है। कौन कौन से षड्यंत्र हमारे जो नए नए ये गए हैं, सीबीआई के तरह तरह से उपयोग करना, ये इसका नतीजा है। इससे कांग्रेस ये तो टमटा जी आप लोगों को सोचना पड़ेगा ना, जिन लोगों ने पार्टी को सींचा, पार्टी को जो है आगे बढ़ाया, वो आपका साथ छोड़ के जा रहे हैं। आप कह रहे हैं बेवफा है, चलिए बेवफा ही है, लेकिन सुनिए ना सर, यूं ही कोई बेवफा थोड़ी ना होता है, कुछ तो वजह हुई होगी ना। नहीं नहीं, कुछ वजह देखिए, जो वजह आप ही लोग बता रहे, मीडिया कह रहे हैं कि वो अपने पुत्र के लिए टिकट मांग रहे थे, पार्टी ने टिकट नहीं दिया। ये बताइए कांग्रेस जी, यशपाल जी को कांग्रेस ने क्या नहीं दिया? उनको उनको दो बार अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाया। नहीं नहीं, सवाल ये ना, ना जो बात आप कह रहे हैं, नहीं नहीं चमटा जी, इस बात को मैं समझना चाहूंगा आपसे। आप ये कह रहे हैं कि पार्टी के भीतर परिवार के किसी चेहरे को टिकट नहीं दिया जाएगा, चाहे वो मुख्यमंत्री का ही बेटा या बेटी क्यों ना हो, उनको टिकट नहीं दिया जाएगा? बुनियादी सवाल हो, यशपाल जी का मोह भंग हुआ, मोह भंग के कारणों को मैं जानना चाह रहा हूँ। वो दलित चेहरे की बात कर रहे हैं, वो अपने अपमान की बात कर रहे हैं, मैं वही तो कर रहा हूँ। अपमान क्या हुआ? कांग्रेस हरीश यशपाल आर्य जो है आज, आपको राज्यसभा भेजा जाना, उन्होंने आपको राज्यसभा भेजा जाने का गम उन्हें सता गया? नहीं नहीं, उनको यशपाल आर्य जी को ही पहला मौका तो उन्हीं को दिया गया था कि आप दिल्ली जाइए, राज्यसभा में जाइए, उन्होंने उसको कहना मना कर दिया। मैं पूछना चाहता हूँ बुनियादी रूप से, देखिए दो तरह के परिवार एक राजनीति के लिए होते हैं, एक उसका अपना व्यक्तिगत परिवार और एक बड़ा कांग्रेस परिवार। यशपाल जी इस कांग्रेस परिवार के बड़े लीडर थे, क्या उनका दायित्व तो नहीं था जिस कांग्रेस परिवार के हर उस कार्यकर्ता के इंटरेस्ट को वो रक्षा करें? आखिर इतने जो इतने बड़ा होने का दावा करते हैं, आज कांग्रेस उन्होंने अपने सिर्फ पुत्र मोह के कारण छोड़ दिया। क्या कांग्रेस सिंबल से चुनाव लड़कर हारने का डर सता रहा था उनको? नहीं नहीं नहीं, देखिए दो बातें हैं, या तो पुत्र मोह है जिसको आप लोग मीडिया के लोग बता रहे हैं कि उनको अपने बेटे को नैनीताल से टिकट चाहिए था, और ये साबित भी हो रहा है जो बीजेपी में गए कि उन्होंने अपने लिए और बेटे के लिए नैनीताल से टिकट मांग लिया। लेकिन एक दूसरी खबर भी है, दूसरी यह है कि नोटबंदी की आड़ में बहुत बड़े घोटाले उधम सिंह नगर में आसपास के बैंकों में हुए हैं, और वहीं कहीं ना कहीं मोदी ने फिर सीबीआई को जाल लग करके इस तरह के लीडरों को फांसा है। टमटा जी, सरकार आपकी तंत्र आपका सरकार आपकी तंत्र आपका पार्टी के बड़े नेताओं का नाराज होना और बीजेपी ज्वाइन कर लेना, सोचिए सर, आज तो आप लोगों को भनक तक नहीं लगती। नहीं तो ये बताएं तिलक जी, कांग्रेस ने क्या नहीं किया मोदी यशपाल जी के लिए? नहीं, कांग्रेस ने तो विजय बोगड़ा के लिए भी बहुत कुछ किया, कांग्रेस ने तो हरक सिंह रावत के लिए भी बहुत कुछ किया। आपके विधायक पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, फिर भी आप कह रहे हैं कि ये स्वार्थ है? अरे स्वार्थी तो है, वो बताएं किस मुद्दे पर? क्या यशपाल जी ये बताएं कि दलितों के इश्यू पर कांग्रेस पार्टी काम नहीं कर रही थी, तब मैं बात मान लेता। अगर यशपाल जी ये कह रहे थे सरकार आरक्षण को लागू करने में हील हवाला कर रही है, इस बात पर अगर जाते तब हम मान लेते। यशपाल जी बताए थे कि सामाजिक उद्देश्य के लिए, इसकी सामाजिक प्रगति के लिए, किस दलित इश्यू के लिए इस समय उन्हें कांग्रेस को दागा छोड़ा है। एकला चलो की नीति को लेकर ये नाराजगी नहीं सामने आ रही? नहीं, कहां एकला चलो की, वो कल तक तो साथ थे, परसों जब दिल्ली में केंद्र की नीतियों के खिलाफ पार्टी ने धरना था तो वहां खड़े थे। तो ये बताते तो आखिर कहां पर से कांग्रेस से या मुख्यमंत्री से उनके मतभेद चल रहे थे, क्या मतभेद चल रहे थे? आप भी सार्वजनिक करें किसी नीति का सवाल को, आपके पुत्र को यही तो सारा आ रहा है कि पुत्र को टिकट नहीं दिया गया, बीजेपी ने पुत्र को टिकट दे दिया। चलिए, मैं तो बीजेपी से ही पूछता हूँ, मोदी जी से ही पूछना चाहता हूँ, परिवारवाद की बात, पांच छह दिन पहले मोदी जी ने अपने पार्टी के राष्ट्रकारी में बोला था जी, भाजपा के नेता सिद्धांत तो कहीं नहीं रहे ना, पुत्र मोह से परिवारवाद। लेकिन आप जो बात कह रहे हैं, आप इस बात की गारंटी नहीं दे रहे कि कांग्रेस जो है परिवार के आधार पर टिकट नहीं देगी।
मैंने तो शुरू से ही कहा कि कांग्रेस का आधार है वो कांग्रेस की निष्ठा पर काम करे, वो कांग्रेस के संगठन को मजबूत, कांग्रेस की विचारधारा। बहुत बहुत शुक्रिया टमटा जी, आपने अपना कीमती वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। प्रदीप टमटा जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। आइए जरा अब आपको दिखाते हैं कि यशपाल आर्य का बीजेपी में जाना क्या सियासी मायने, देखिए जरा। ये कोई झटका नहीं है, कांग्रेस बहुत बड़ा सागर है, महासागर है। कांग्रेस को जिन लोगों ने बड़े बड़े पदों पर बैठाया है, ये तो अभी भी उम्मीद नहीं है कि यशपाल आर्य की बीजेपी में जाए। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की तारीख करीब आ रही है, वैसे वैसे सियासत अपना रंग दिखा रही है। कोई पुरानी पार्टी छोड़कर नए घर में जा रहा है, तो कोई टिकट ना मिलने पर घर में बगावत का बिगुल फूंक आंखें दिखा रहा है। इसी आने जाने के सिलसिले के बीच उत्तराखंड कांग्रेस को सोमवार को बीजेपी ने कांग्रेस को फिर बड़ा झटका दिया है। उत्तराखंड कांग्रेस के बड़े चेहरे रहे पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष यशपाल आर्य कांग्रेस का हाथ छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए। यकीनन ये कांग्रेस के लिए ठीक चुनाव से पहले किसी बड़े झटके से कम नहीं है। उत्तराखंड के कद्दावर नेता यशपाल आर्य जी, अपने बेटे संजीव आर्य जी और अपने सब फॉलोअर्स के साथ उन्होंने पार्टी ज्वाइन की है और एक कांग्रेस को झटका लग रहा है। उत्तरकाशी क्षेत्र के प्रमुख नेता, वहाँ के राजनीति में काफ़ी साल से कांग्रेस से जुड़े हुए, आज भी जिनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा हासिल है, ऐसे केदार सिंह रावत जी यहाँ पर आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा जी, हरक सिंह जी रावत, केंद्रीय मंत्री अजय टमटा जी, ये सब उपस्थित है। इनके उपस्थिति में वो पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। केदार सिंह रावत जी का हम स्वागत करते हैं। हरक सिंह रावत जी, आपको पटका पहना के जिंदाबाद। केदार सिंह रावत जी पूर्व विधायक है। 40 साल कांग्रेस के सिपाही रहे यशपाल आर्य अब ठीक चुनाव से पहले नई राह पर निकल पड़े हैं। यकीनन आर्य का उत्तराखंड कांग्रेस से मोह भंग होना हरीश वाली कांग्रेस के लिए शुभ संकेत नहीं कहा जा सकता है। वैसे भी सियासी संकट के बाद कांग्रेस के घर में तमाम बड़े चेहरों का बीजेपी में कूच करना पार्टी के अंदर तल हिला चुका है, और अब आर्य का यूं चुनाव से पहले हाथ छोड़ बीजेपी का कमल थाम लेना कांग्रेस के लिए किसी सदमे से कम नहीं। कांग्रेस के भीतर बड़े दलित चेहरे के रूप में रहे आर्य अकेले नहीं रूठे, बल्कि अपने साथ अपने बेटे संजीव और उत्तरकाशी के पूर्व विधायक रहे केदार सिंह रावत को भी बीजेपी में ले गए। मोदी जी की, माननीय अमित शाह जी की नीतियों में जन विश्वास जो उमड़ रहा है, उसके कारण मेरे साथियों ने भी और मेरे क्षेत्र की जनता ने भी कहा कि हमें विकास के लिए और भ्रष्टाचार मिटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का साथ देना है। और भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, माननीय श्याम जाजू जी, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा जी, माननीय हरक सिंह रावत जी, माननीय अजय टमटा जी और तमाम बड़े नेताओं ने जो है मुझसे आग्रह किया, और मुझे आज खुशी है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का पहले भी सिपाही था और मुझे अपने पुराने घर में लौटने पे प्रसन्नता है, और मुझे जनता की जन भावनाओं का आदर करते हुए और क्षेत्र के विकास के लिए, उत्तराखंड के विकास के लिए, उत्तरकाशी जिले के विकास के लिए ये समसामयिक हो गया है, आवश्यक हो गया है कि हम भ्रष्टाचार को खत्म करें और विकास की गाड़ी को जो है आगे बढ़ाएं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ आया हूं। माननीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियों में, कार्यक्रमों में विश्वास करते हुए, माननीय अमित शाह जी के और भारतीय जनता पार्टी की नीति रीति और सिद्धांतों में विश्वास करते हुए प्रदेश के और क्षेत्र के विकास के लिए आज भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहा हूं। दिल्ली में अमित शाह की मौजूदगी में आर्य की ज्वाइनिंग संकेत दे रही थी कि बीजेपी तैयारी लंबे वक्त से कर रही थी, मगर आर्य की ओर से हरी झंडी नहीं मिल रही थी। वैसे तो कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य के बार बार कोप भवन में जाने की आदत से भला कौन वाकिफ नहीं था। फर्क सिर्फ इतना था कि इस बार हरीश रावत उनकी नाराजगी की सीमा भांप नहीं पाए और वो कांग्रेस का हाथ छोड़ कमंडल में शामिल हो गए। वहीं आर्य की बीजेपी में एंट्री उन सब बागियों को भी रास आ रही है जो पिछले साल कांग्रेस को त्याग कर बीजेपी में शामिल हुए और भाजपाइयों के लिए त्यागी बन गए। यशपाल आर्य जी कांग्रेस के दो बार प्रदेश अध्यक्ष रहे, और मैं सोचता हूँ कि यशपाल आर्य जी केवल दलितों के नेता नहीं, एक प्रभावशाली नेता हैं उत्तराखंड में,
और कांग्रेस को उन्होंने खड़ा करने में बहुत योगदान दिया था। मैं विपक्ष का नेता था, हरीश साव यशपाल आर्य प्रदेश के अध्यक्ष थे और हम दोनों ने मिलकर मैं सोचता हूँ 2007 से लेकर 2012 तक उत्तराखंड में कांग्रेस के दो ही चेहरे थे जिसमें यशपाल आर्य जी और विपक्ष के नेता के रूप में मैं था। अब आज हम दोनों ही लोग जो है मैं सोचता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो गए, केवल बाजपुर विधानसभा या नैनीताल जिले में नहीं पूरे प्रदेश में, क्योंकि जब वो प्रदेश अध्यक्ष थे तो लोग उनसे जुड़े थे, जब मैं विपक्ष नेता था लोग मुझसे जुड़े थे, तो निश्चित रूप से आज पूरे प्रदेश में कांग्रेस के पास अब कोई चेहरा कोई व्यक्ति ऐसा नहीं बचा है जिससे हम ये कह सकते हैं कि जो जनता के बीच में जिसकी कोई पकड़ हो जनता के बीच में, क्योंकि ये सारा जो हुआ है ये हरीश राव के एकला चलो नीति है कि खाता ना बही, हरीश राव जो कहे वो सही। वैसे तो हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री और नैनीताल सांसद भगत सिंह कोश्यारी ने संकेत दिए थे कि कुमाऊं में कांग्रेस को झटका लगने वाला है, यानी संकेत साफ थे कि कयासों में सच्चाई थी और हुआ भी यही। अब यशपाल आर्य कांग्रेस ही नहीं भाजपा ही हो चले हैं। चलिए चुनाव से पहले ये दल बदल चुनाव में क्या रंग दिखाता है ये देखना दिलचस्प होगा। राहुल मिश्रा, जैन टीवी, दिल्ली। तो साथ ही साथ बीजेपी की सूची भी जारी हुई, सभी जो है लगभग सिटिंग विधायकों को टिकट भी थमाया गया। इस वक्त हमारे साथ जो है राजेश शुक्ला साहब जुड़े हुए हैं किच्छा से, एक बार फिर इन्हें टिकट मिला है। शुक्ला जी बहुत बहुत स्वागत है जैन टीवी में आपका। धन्यवाद सर, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। कुछ राहत मिली, सूची में आपका नाम सामने आया, बेवजह खामखा अफवाहें फैलाई जा रही थी आपके विधानसभा क्षेत्र में। तो बहुत बहुत मुबारक हो, आपको टिकट मिला दोबारा से। जी बिल्कुल, मेरे द्वारा किए गए कार्य मेरी निष्ठा पार्टी के प्रति और कार्यकर्ताओं में और जनता में जो मेरे प्रति विश्वास है, मैं समझता हूँ हाईकमान ने मुझे विश्वास व्यक्त किया है और जनता और यहाँ के क्षेत्र की जनता मेरे कार्यकर्ता उस विश्वास को पूरा करेंगे और मैं पुनः जीत करके प्रदेश की सेवा करूंगा, अपने क्षेत्र की सेवा करूंगा। लेकिन जो वो लोग जो अफवाहें फैला रहे थे वो तो आपके खिलाफ चुनाव अभी भी लड़ने को तैयार है। चुनाव तो लोकतंत्र है, सबको लड़ने का अधिकार है, कोई लड़े, जनता निर्णय करेगी। लेकिन मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैंने मेरी परफॉर्मेंस अच्छी रही है, मैंने विकास कार्य किए हैं क्षेत्र में और जनता के बीच रहा हूँ लगातार, सुख-दुख में खड़ा रहा हूँ। पार्टी ने आप पर भरोसा जताया है, आपको सबसे प्रमुख वजह कौन सी दिखाई देती है, किस वजह से आप पर पार्टी ने भरोसा जताया? एक बार बड़ी वजह यह है कि संकट में हम लोग पार्टी में खड़े रहे और साथ ही साथ हमने अपने क्षेत्र में जो सर्वे हुए उन सब सर्वे में हमारा नाम लिया, क्योंकि हमने क्षेत्र में लगातार अपनी उपस्थिति रखी और जनता के काम किए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त दिया। किच्छा विधायक हमारे साथ राजेश शुक्ला जुड़े हुए थे जिनको एक बार फिर से टिकट मिला है और इनके विधानसभा क्षेत्र में कयासों का दौर चल रहा था कि आखिरकार इन्हें टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, अफवाहें खूब उड़ रही थी। वहीं यशपाल आर्य से हमारे सहयोगी ने बातचीत की, यशपाल आर्य ने बीजेपी ज्वाइन करने के बाद क्या कुछ कहा, अब वो भी सुनिए। बात करने के लिए यशपाल आर्य जी हैं। यशपाल आर्य जी, क्या कारण रहा कि आप कांग्रेस का दामन छोड़ अब बहुत कुछ हो चुका है, बहुत कुछ बदल चुका है, पहले की कांग्रेस आज की कांग्रेस में बड़ा फर्क दिखाई दे रहा है। तो निश्चित रूप से 41 साल का कार्यकाल मेरा रहा है भारतीय कांग्रेस में, 41 साल कांग्रेस को मैं कार्यकर्ता के रूप में मैंने कार्य किया। 41 साल कम नहीं होते हैं, पूरी जिंदगी मैंने दी है, लेकिन आज तब की कांग्रेस आज की कांग्रेस में बड़ा फर्क दिखाई देता है, बहुत परिदृश्य बदल गया है, प्रभाव हो रहा है कांग्रेस की नीतियां, जो मूल्य हैं, जो सिद्धांत हैं, उससे भटकती जा रही है कांग्रेस। और निश्चित रूप से मैं किसी को दोष नहीं देना चाहता हूं, सब कुछ सामने है, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि आज ज़रूरत है देश को विकास की, उत्तराखंड का विकास हमारी प्राथमिकता है। हम चाहते हैं कि 2017 का चुनाव जो बहुत करीब आ चुका है, 15 फरवरी को चुनाव होना है, उसमें निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना एजेंडा दिया है, जो उन्होंने वायदे दिए किए हैं, उसको हम निश्चित रूप से सरकार बनने के पश्चात लागू करेंगे और जो हमारी अवधारणा है विकास की अवधारणा उसको मूर्त रूप देंगे। क्या हरीश राव जी के कार्य करने के तरीके से आप लोग नाखुश थे जिसकी वजह से आपको इस मैं अभी इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, बहुत अभी वक्त है, फिर मुलाकात होगी, लेकिन मैं अपने आप से नाखुश हो सकता हूँ, अपनी गलती स्वीकार कर सकता हूँ, मैं किसी दूसरे पर लांछन या आरोप नहीं लगाऊंगा। ये थे हमारे साथ बात करने के लिए यशपाल आर्य जी, कैमरामैन संदीप के साथ राहुल मिश्रा, जैन न्यूज, दिल्ली। तो इस वक्त उमेश शर्मा काऊ भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिन्हें पार्टी ने टिकट दिया है, ये लगभग तय भी था। काऊ साहब बहुत बहुत स्वागत है जॉइंट टीवी में आपका।
धन्यवाद आपका सर, मुबारक हो आपको। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सभी श्रोताओं को मेरा, जितने भी जैन टीवी के दर्शक हैं उनको भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। सर उम्मीद तो पहले भी थी कि टिकट मिलेगा आपको रायपुर। मैं अपना केंद्रीय नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी हमारे सीनियर पदाधिकारी हैं उनका धन्यवाद करता हूं, और उन्होंने जो विश्वास हमें व्यक्त किया निश्चित रूप से इसे हम पूरा करेंगे। टिकट देने का वायदा काऊ साहब उन्होंने पूरा किया, अब जीत की गारंटी का वायदा आपकी तरफ से? नहीं नहीं बिल्कुल जीत के आएंगे, और अपना जितना हमारा रायपुर क्षेत्र के देवतुल्य हमारे क्षेत्रवासी हैं, और जिन्होंने इतना सम्मान और प्यार दे के पहले विधानसभा में भेजा और जो हमने उनके लिए सेवा की, और निश्चित रूप से हमारे क्षेत्र में की जनता हमें आशीर्वाद देगी और 2017 के चुनाव में भारी बहुमत से विजय बनाने। लेकिन एक बात काऊ साहब, काऊ साहब एक बात कि अब इस सूची में ये बात सिद्ध हो चुकी है कि पार्टी ने जो है आप लोगों का सम्मान रखा, ख्याल रखा, आप लोगों ने पार्टी के लिए अगर सब कुछ छोड़ा तो पार्टी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। कांग्रेस के घर के भीतर से कई तरह का शोर सुनाई दे रहा है कि आपके खिलाफ किसको चुनाव लड़वाया जाए, आपको क्या लगता है कौन आएगा मैदान में? ये कांग्रेस के घर का मामला है, उसमें मैं कुछ नहीं कहता, ये उनका निर्णय है, वो करें जिससे मर्जी लड़ाई। आप हरीश रावत को चुनौती देना चाहेंगे? मैं तो बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी की, और वो बहुत बलवान आदमी है, तो मैंने क्या चुनौती देनी उन्हें। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े। तो काऊ साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे, आइए सर अब आपको दिखाते हैं कि बीजेपी नेता क्या कुछ कह रहे हैं, बीजेपी नेताओं के बयान आपको सुनाते हैं, क्या कुछ कहना है यशपाल आर्य का पार्टी में शामिल होने के बाद उनका। पार्टी में वो शामिल हुए हैं नेतृत्व और नीतियों में विश्वास व्यक्त करते हुए, भय और भ्रष्टाचार के वातावरण से लड़ने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए, उसके लिए पार्टी जो जो भी ठीक समझेगी, टिकट देने से लेकर संगठन और सरकार में स्थान देने तक पार्टी वो सब करेगी। बीजेपी का कुनबा निरंतर बढ़ रहा है, और जो हमने शुरू से कहा कि प्रदेश के अंदर हरीश रावत के नेतृत्व में भय और भ्रष्टाचार का वातावरण है, उन्हीं की पार्टी के सभी नेता उनके दम्भी आचरण से और भय और भ्रष्टाचार के वातावरण से आज ही जा चुके हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी का परिवार बहुत बड़ा है, और भारतीय जनता पार्टी किसी एक व्यक्ति की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है, न किसी एक परिवार की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इसलिए वहाँ इस प्रकार के निर्णय लेते समय किसी न तो किसी एक व्यक्ति के बारे में विचार होता है, न कोई एक व्यक्ति विचार करता है, यहाँ सामूहिकता से निर्णय लिए जाते हैं, और सामूहिक निर्णयों में जो निर्णय होते हैं उनके सही होने की संभावना बहुत अधिक होती है। देखिए भारतीय जनता पार्टी में जब भी कोई वरिष्ठ नेता उसकी ज्वाइनिंग करता है तो वह किसी शर्तों पर पार्टी की सदस्यता नहीं लेता, बाकी हमारा जो पार्लियामेंट्री बोर्ड और राष्ट्रीय नेतृत्व है वो इस बारे में तय करेगा कि उनको कहां से टिकट लेना है, लेकिन अगर उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया है कांग्रेस के खिलाफ तो निश्चित रूप से उन्हें भाजपा में कहीं ना कहीं सम्मानजनक पद पे या सम्मानजनक स्थिति में रखा जाएगा। जिस प्रकार से एक दलित चेहरे के रूप में यशपाल आर्य जी जाने जाते थे, जी हाँ यहाँ सम्मान देने की बात हो रही थी, वहां सम्मान दे दिया गया। बाजपुर सीट से यशपाल आर्य चुनाव लड़ेंगे और नैनीताल सीट से संजीव आर्य। आइए जरा अब आपको दिखाते हैं कि यशपाल आर्य का सियासी कद कांग्रेस के घर के भीतर था क्या, और कांग्रेस के घर के भीतर आखिरकार यशपाल आर्य का नाम का मतलब क्या था, वो भी समझिए। मुख्यमंत्री से अपनी मांग को मनवाने के लिए अक्सर रूठ कर को भवन में बैठ जाने वाले आर्य इस बार ऐसे रूठे कि उन्हें मनाने का कोई मौका कांग्रेसियों को मिल ही नहीं पाया। कहने वाले कहते हैं कि इस बार मुख्यमंत्री ने उन्हें मनाने की कोई ज्यादा कोशिश की भी नहीं। हरीश को पूरा विश्वास था कि राज्य में चुनावी आचार संहिता लागू होने के बाद आर्य कोई जोखिम नहीं लेंगे। साथ ही हाल ही में हुए राजनीतिक घटनाक्रम के बाद वो बगावत की स्थिति से खुद को सेफ मानकर चलने की भूल कर गए। तभी तो रूठों की मान मनोबल में उनकी ज्यादा दिलचस्पी दिखी नहीं और यशपाल उन्हें झटका दे गए। चलिए
अब आपको बताते हैं कि यशपाल आर्य का सियासी कद कांग्रेस के भीतर था क्या और उनका कांग्रेस से छटकना क्या मायने निकालता है। यशपाल आर्य कांग्रेस का कितना बड़ा चेहरा थे इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आर्य 6 बार विधायक रहे। कांग्रेस पार्टी ने उन्हें 2 बार प्रदेश अध्यक्ष का जिम्मा सौंपा और 8 साल तक उन्होंने पार्टी को खुद संभाला। पार्टी के भीतर एक बड़े दलित चेहरे के तौर पर यशपाल आर्य उभर कर सामने आए। लगभग 41 सालों तक कांग्रेस में यशपाल आर्य की महत्वपूर्ण भूमिका रही। कैबिनेट मंत्री रहते हुए कई महत्वपूर्ण विभागों का जिम्मा अपने कंधों पर यशपाल आर्य ने संभाला। बौगुणा कैबिनेट से लेकर हरीश कैबिनेट तक के वो मुख्य अंग रहे। 2012 में विरोध के बावजूद विजय बौगुणा जब मुख्यमंत्री बने तब यशपाल आर्य उनके प्रमुख रणनीतिकारों में से एक थे। बौगुणा के लिए सितारगंज की सेफ सीट खोजने का काम भी यशपाल आर्य ने ही किया और देखते ही देखते कुमाऊं की राजनीति का वो बड़ा चेहरा बन गए। चलिए अब आपको ये भी बताते हैं कि यशपाल आर्य कब कब को भवन में गए। साल 2012 में बौगुणा मंत्रिमंडल में विभागों के बंटवारे को लेकर यशपाल आर्य नाराज हुए थे। उसके बाद नैनीताल के DIG संजय गुंजाल को हटाने को लेकर भी आर्य की नाराजगी सामने आई थी। इतना ही नहीं 2 पुलिस महानिरीक्षक रेंज को खत्म करने को लेकर भी आर्य ने अपनी नाराजगी का इजहार किया। इसके बाद आपदा राहत कार्यों से जुड़े पुनर्वास और पुनर्गठन प्राधिकरण को आपदा प्रबंधन विभाग से अलग करने का विरोध आर्य ने खुलकर किया। वहीं प्रदीप टमटा को जिस वक्त राज्यसभा भेजा गया इसको लेकर भी यशपाल आर्य की नाराजगी की खबरें सामने आई थी। इतना ही नहीं ब्रिजेश कुमार संत को उधम सिंह नगर का DM बनाने को लेकर भी आर्य नाराज हुए। वहीं आनंद शंकर को SSP बनाने को लेकर भी उनकी नाराजगी सामने आई। इतना ही नहीं आपदा प्रबंधन की बजाय चिकित्सा शिक्षा विभाग चाहने को लेकर आर्य की नाराजगी की खबरें उड़ती रही। यानी आर्य का सियासी इतिहास बताता है कि उनका BJP ज्वाइन करने का फैसला लेना आसान नहीं रहा होगा। कहने वाले कहते हैं कि आर्य ने अपने बेटे संजीव की खातिर सियासत की नई पारी की शुरुआत की है, तभी तो BJP ज्वाइन की, तो खुद को बाजपुर की सीट से तो संजीव को नैनीताल की सीट से टिकट दिलवा दिया। अगर बात संजीव आर्य की करें तो संजीव आर्य यशपाल आर्य के राजनीतिक विरासत को संभालने वाले चेहरे हैं। 2004 में रिलायंस कंपनी से त्याग पत्र देकर राजनीति में कदम रखने वाले संजीव आर्य यशपाल की मुक्तेश्वर सीट से पहली बार राजनीतिक काम को शुरू किया। रामगढ़ विकास खंड में मंडी परिषद के डायरेक्टर भी चुने गए। देखते ही देखते हल्द्वानी मंडी परिषद के निर्विरोध चेयरमैन भी बने। लोकसभा चुनाव में सतपाल महाराज की सीट रामनगर से उन्होंने प्रभार संभाला और वहां से अच्छे खासे वोट हासिल किए। इसके बाद उन्हें मीडिया सेंटर कुमाऊं का प्रभारी तक बनाया गया। अब संजीव नैनीताल की पिच पर उतरने जा रहे हैं और BJP की तरफ से उन्हें बल्लेबाजी करने का मौका भी मिल गया है। चलिए अब देखते हैं कि आर्य की राजनीतिक विरासत को संजीव कितना संजीदगी से संभाल पाते हैं। दिल्ली से राहुल मिश्रा, JAN TV। तो इस वक्त हमारे साथ गणेश जोशी भी जुड़े हुए हैं, मसूरी से विधायक है। पार्टी ने एक बार फिर से इनको चुनावी रण में उतारा है, पार्टी ने इनको फिर विश्वास जताया है। जोशी जी बहुत बहुत स्वागत है JAN TV में आपका। जी नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। थैंक, बहुत धन्यवाद आपका। तो पार्टी ने एक बार फिर से विश्वास जताया है, इस बार सवाल ये कि गणेश जोशी हैट्रिक मारेंगे? देखिए पार्टी ने जब जब मेरे पे विश्वास जताया है मैं उनके विश्वास पर खरा उतरा हूँ। और पिछले 5 साल से मसूरी विधानसभा की एक विधायक के रूप में, एक सेवक के रूप में मैंने जनता के बीच में रहा हूँ। निश्चित ही मुझे पूरा विश्वास है, विश्वास ही नहीं पूरा विश्वास से यदि कोई शब्द अगर कहें, और पिछले से ज्यादा मार्जिन से मसूरी की जनता ने मुझे फिर एक बार भेजने का मन बनाया है। क्योंकि आज मैं सुबह से अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में था, अपने चुनाव अभियान का शुरुआत मैंने बुरासखंडा से किया था, जिसका समर्थन मिल रहा है। अभी मैं लास्ट मीटिंग समाप्त करके अभी घर पहुंचा हूँ।
जोशी जी, पार्टी ने जो विश्वास जताया, आपके विधानसभा क्षेत्र के भीतर कांग्रेस का कमजोर होना क्या एक फैक्टर हो सकता है जीत का मजबूत? क्योंकि आप कांग्रेस के घर में, कांग्रेस से कमजोर होने की नहीं है, किसी समय पर ये कांग्रेस से अकड़ हुआ करती थी, लेकिन मैंने अपने मेहनत से अपने संघर्ष के बल पर लोगों पर एक विश्वास जताया है कि विधायक क्या होता है, विधायक कैसे काम करता है। जहाँ पूर्व में 10 साल में वहाँ के विधायक ने कुछ नहीं किया था कांग्रेस, और मैंने अपोजिशन में रहने के बावजूद जितने काम कराए हैं, बहुत जल्दी अपना रिपोर्ट कार्ड भी जनता के बीच में देने वाला हूँ, तो ये अपने आप में लोगों पर एक भरोसा हुआ है कि विधायक हमारे बीच में रहता है, हमारे सुख दुख में खड़ा होता है। तो इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी का एक गठबंधन मैंने उसको बनाया है, और इसमें मेरे संगठन का पूरा योगदान मुझे मिला है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। गणेश जोशी हमारे साथ जुड़े हुए थे। आइए अब आपको दिखाते हैं सियासी सोमवार की एक और सियासी कहानी। राहुल गांधी ऋषिकेश में थे और गर्जे भी खूब, लेकिन कांग्रेस में अब कितनी जान फूंक पाएंगे, सवाल यह है। इस रिपोर्ट के साथ छोड़ के जा रहे हैं, कल फिर हाजिर होंगे कुछ ऐसे मुद्दों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। सियासी दंगल से पहले कांग्रेस के तारणहार राहुल गांधी का ऋषिकेश दौरा संगठन सिपाहियों में एकाएक जोश भर गया। तय तारीख और तय वक्त पर राहुल गांधी दिल्ली से सीधे तीर्थ नगरी ऋषिकेश पहुंचे। मौका था संगठन सिपाहियों और पार्टी कार्यकर्ताओं की पाठशाला का। राहुल ने पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों में जोश भरने के लिए मंच से दिल्ली में बैठी भाजपा सरकार पर ताबड़तोड़ प्रहार करने शुरू किए। कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में राहुल खूब गरजे। राहुल ने गरजते हुए कहा कि भाजपा धर्मों को बांटने का काम करती है, जबकि कांग्रेस जोड़ने का। राहुल ने पार्टी के पंजे का हवाला देते हुए कहा कि हाथ का निशान हर धर्म में दिखाई देता है। पीएम पर प्रहार करते हुए राहुल ने अपने ही अंदाज में दिखे। राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी चरखे के साथ फोटो खिंचवाते हैं, लेकिन उद्योगपतियों के लिए काम करते हैं। पार्टी के पहरेदारों में जोश भरने के लिए राहुल गांधी ने पार्टी कार्यकर्ताओं की तुलना बब्बर शेर से कर डाली। दंगल से पहले चुनावी टिप्स देते हुए राहुल ने आरएसएस को भी आड़े हाथों लिया। ऋषिकेश से राहुल ने नागपुर पर भी निशाना लगाया। उन्होंने कहा कि नागपुर में ही साल 2002 तक तिरंगा नहीं फहराया गया। राहुल ने बीजेपी की राष्ट्रभक्ति पर सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर 52 सालों तक नागपुर में तिरंगा क्यों नहीं फहराया गया। स्वतंत्रता दिवस पर सलूट लगता था तो इस झंडे पे सलूट नहीं लगता था, भगवे पे सलूट लगता था। अब मैं आरएसएस से पूछना चाहता हूं और बीजेपी के कार्यकर्ताओं से पूछना चाहता हूं कि 52 साल के लिए आपने झंडे को सलूट क्यों नहीं किया? 52 साल के लिए आपने झंडे को अपने हेडक्वार्टर में नागपुर में क्यों नहीं फहराया? कांग्रेस के कर्णधार राहुल गांधी ने कार्यकर्ता सम्मेलन में पार्टी के पहरेदारों में जोश भरने के लिए भाजपा पर खूब आरोपों के गोले दागे, मगर राहुल उत्तराखंड के मुद्दों को नहीं उठा पाए। सवाल ये कि आखिर राहुल पाठशाला में कार्यकर्ताओं को पढ़ाते पढ़ाते उत्तराखंड के मुद्दों को क्यों भूल गए? खैर, सवाल कई हैं। वैसे जिस वक्त अमित शाह का उत्तराखंड में आना जाना था, तो उस वक्त कुछ ऐसे ही सवाल भाजपा की ओर से उठाए जा रहे थे। ऋषिकेश से विपिन नागी, जैन टीवी।